हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप सॉल इन वन चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। माय नेम इज़ दीपिका एंड आई अपलोड हियर एवरी ऑल्टरनेट डे अबाउट होम मेकिंग। अगर आपको होम मेकिंग से रिलेटेड कंटेंट पसंद आता है, जैसे कि कुकिंग, क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजेशन, मेकओवर, शॉपिंग हॉल्स एंड सो ऑन, देन यू आर एट राइट प्लेस। मेक श्योर यू सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और जल्दी से हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिलेंगे एंड देन यू कैन वॉच माई वीडियोज, और अगर वीडियो में कुछ भी आपको अच्छा लगे देन यू कैन यूज इन योर लाइफ। आज की वीडियो है मोस्ट अवेटेड वीडियो, दैट इज लंच बॉक्स आइडियाज। काफी टाइम से मेरे पास कमेंट आ रहे थे, बट क्योंकि यहाँ पे समर हॉलीडेज चल रही थी तो इसीलिए मैं इस वीडियो को कंपाइल नहीं कर पाई। बट हियर आई एम विद लंच बॉक्स रेसिपीज फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, और सारी ही रेसिपी जो है वो बहुत ईजी है। आप बच्चों को भी दे सकते हैं, इवन आप बड़ों को भी दे सकते हैं। सो आई ट्राइड माई बेस्ट, होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले, रेसिपीज शुरू करने से पहले, मैं एक दो चीजें यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, बिकॉज आई नो कि इनसे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियसली जब भी मैं आदवी का लंच बॉक्स दिखाती थी तो मेरे पास ये सवाल आते थे। हालांकि मैंने शेयर किया था, बट देर आर न्यू पीपल और समटाइम लोग स्किप करके वीडियो देखते हैं तो वो पार्ट मिस कर देते हैं। बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन लंच बॉक्स आइडियाज, देन आई थॉट टू शेयर लंच बॉक्स। ऑलराइट, तो ये है अदवी का लंच बॉक्स। मेरी बड़ी बेटी, वो स्कूल जाती है, छोटी बेटी अभी सिर्फ 10 महीने की है, ऑब्वियसली वो नहीं जाती है। तो ये अदवी मेरी बड़ी बेटी का लंच बॉक्स है, और ये मैंने इंडिया से बाय किया था एक लोकल शॉप से, तो मेरे पास इसका लिंक नहीं है, इन केस यू आस्किंग कि दीपिका लिंक प्रोवाइड करो। लेकिन अमेजोन, ईबे, ऑनलाइन आपको बहुत सारे इसी तरह के लंच बॉक्स मिल जाएंगे, और बेंटो के लंच बॉक्स जो है वो बहुत अच्छे हैं। अब बारी आती है कि ये लीक प्रूफ है या नहीं है। तो ये लंच बॉक्स लीक प्रूफ है इसकी एजेस से, जो इसकी आउटर एजेस हैं, लेकिन जो इसमें अंदर कंपार्टमेंट है वो लीक प्रूफ नहीं है। अगर आप कुछ लिक्विडी कंटेंट देते हैं बच्चे को देन, लेकिन अगर आप कुछ भी लाइक सैंडविच और फ्रूट्स ये सारी चीज़ें रख रहे हैं तो वो एक दूसरे कंपार्टमेंट में नहीं जाएंगी। लेकिन हाँ, अगर आप बिल्कुल लाइक आपने सांभर दे दिया, दाल दे दिया, तो ऑब्वियसली वो उसमें जाएगा, क्योंकि इसकी जो लिड है उसमें कंपार्टमेंट के ऊपर सील नहीं लगी हुई है। तो मुझे उस पर्पज़ का एक्चुअली चाहिए नहीं था, क्योंकि मैं अदवी को अगर कुछ भी लिक्विड बेस देती हूँ तो मैं दूसरा एक लंच बॉक्स है वो यूज़ करती हूँ, वो भी अभी आपको दिखाने वाली हूँ। बट इसके अंदर अच्छे सेक्शन है और इनकी डेप्थ अच्छी है, तो अगर आप बन भी दे रहे हैं, लाइक बर्गर दे रहे हैं या फिर आप रोल दे रहे हैं, तो सभी अच्छे से फिट आ जाता है। योगा ड्रिंक मैं अदवी को देती हूँ, वो इसमें फिट आती है। इसमें स्नैक के लिए भी लाइक आप कुछ भी दे रहे हैं, फ्रूट्स दे रहे हैं, तो सब कुछ आराम से के अंदर मैनेज हो जाता है। तो ये लंच बॉक्स है जो मैं यूज कर रही हूँ, और जो मैं इंडिया से आई थी और मैंने किचन शॉपिंग हॉल शेयर किया था उसमें मैंने इसकी डिटेल्स भी प्रोवाइड करी थी। और इसके साथ स्पून और फोक भी आता है, और इसके ऊपर ये इस तरह से हैंडल भी है, तो आप इसको इस तरह से भी कैरी कर सकते हैं। बट हाँ, जो इसकी एजेस है वो लीक प्रूफ है, उनसे इवन पानी भी बाहर नहीं निकलता है। एक और बात है इस लंच बॉक्स की जो मुझे बहुत पसंद है, ये इस तरह से अलग हो जाता है। ऑब्वियसली क्लीनिंग में तो आसान है ही, लेकिन अगर आपको खाना गर्म रखना है तो आप इसमें नीचे हॉट वाटर डाल के और उसके ऊपर आप इस ट्रे को रखें, वो पानी ऊपर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा कि आप इस लंच बॉक्स को इसी तरह से सीधा रखें तो जो भी फूड आपने रखा है वो वार्म रहेगा। हालांकि मैंने कभी इस तरह से यूज़ नहीं किया, क्योंकि लीक प्रूफ है और खाना जो है वो इसके अंदर वार्म रहता है, तो मुझे कभी वो पानी करके रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन इसकी डिटेल्स में वो मेंशन था, देन आई थॉट कि आपके साथ शेयर करूँ। ओके, अब बात आती है कि जब अदवी को मुझे इस तरह का कुछ लिक्विड बेस्ड या कुछ ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल हॉट ही अच्छी लगती हैं, तब मैं उसको कौन सा लंच बॉक्स देती हूँ। तो ये थर्मोस ब्रांड का है, ये मैंने कॉस्को से बाय किया था, और इसके साथ एक वाटर बॉटल भी आती है, तो ये दो का सेट था। और जैसे मैं उसको कभी पास्ता देती हूँ या फ्राइड राइस, या कभी कभी वो छोले चावल भी लेकर जाती है, पनीर चावल लेकर जाती है, तो वो मैं उसको इसके अंदर देती हूँ, और इसके अंदर लाइक उसके हिसाब से परफेक्ट क्वांटिटी आ जाती है, और इसके अंदर टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल मेंटेन रहता है। आप जितना गर्म या ठंडा इसके अंदर रखेंगे वो उसी टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, सो इट इज रियली गुड वन।
और इसके अलावा एक ये अद्वी की वाटर बॉटल है, ये मैंने होम बार्गेन से ली थी, अराउंड 599 की ये बॉटल है। और इसके अंदर अगर आप गरम डालते हैं तो गरम रहता है, ठंडा डालते हैं तो ठंडा रहता है। तो मैं सिर्फ वाटर लाइक नॉर्मल टेम्परेचर का ही उसको वाटर देती हूँ, बट कभी कभी मैं इसके अंदर थोड़ा बहुत स्क्वैश भी ऐड कर देती हूँ, क्योंकि अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो पानी सारा ख़त्म करके आएगी स्कूल से। लेकिन अगर ठंडा मौसम है, और मोस्टली यहाँ पे ठंड ही रहती है, तो फिर वो पानी पीने से आनाकानी करती है, बचती है, और बच्चे रियलाइज नहीं करते, वो एक्टिव इतने होते हैं और वो डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, लेकिन उनको ध्यान नहीं आता, उनको प्यास नहीं लगती है। तो मैं थोड़ा बहुत स्क्वैश या थोड़ा सा जूस इसके अंदर मिक्स करके दे देती हूँ। तो अगर फ्लेवर्ड बेस्ड वाटर होता है तो फिर वो फिनिश कर ही लेती है। तो ये एक वाटर बॉटल है उसकी, और दिखा दूँ मैं आपको इस तरह से इसकी सील है, जैसे थर्मोस की होती है एग्जैक्टली वही, और ये थ्रेड मैडम ने ही लगाया हुआ है। तो ये कुछ 3 सप्लाई थी जो मुझे लगा कि रेसिपीज शुरू करने से पहले मैं शेयर कर दूं, क्योंकि आई एम 100% श्योर इनसे रिलेटेड सवाल आने वाले थे, सो आई कवर्ड इट एट फर्स्ट। सो यस, लेट्स जंप इनटू द रेसिपीज नाउ। तो चलिए मंडे के लिए लंच बॉक्स बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, इसके अंदर थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ है, लंबी कटी हुई ग्रीन शिमला मिर्च मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। हल्का सा सौते करेंगे और उसके बाद इसके अंदर फ्रोज़न कॉर्न ऐड कर देंगे, आप फ्रेश भी ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप फ्रेश लेंथ वाइज कटी हुई गाजर भी ऐड कर दीजिए। मैं फ्रेश नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास गाजर मटर की भुजिया बनी रखी थी, तो मैं यही यूज़ कर लूँगी। और साथ ही ये राइस है कल के, तो इस रेसिपी के लिए आप राइस पहले से ही बॉईल करके रख लें, और अगर आप पहली रात करके रखें तो रिजल्ट ज़्यादा बेटर आएंगे, फ्रेश के इतने अच्छे नहीं आते। इस तरह से खिला खिला हमारा वेजी फ्राइड राइस बनता है। तो यहाँ पे कैप्सिकम और कॉर्न मैंने अच्छे से सौते कर लिया है, और इसमें मैंने सॉल्ट डाल दिया है सिर्फ इसी सब्जी के हिसाब का, क्योंकि जो गाजर मटर की भुजिया है उसके अंदर भी सॉल्ट है। राइस बिल्कुल फीके हैं, मैं कभी भी राइस जो इस तरह से प्लेन वाइट राइस बनाती हूँ उसमें सॉल्ट ऐड नहीं करती हूँ। और बस इसको हम यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर देंगे, और बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसके अंदर बिरयानी मसाला ऐड करा है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, और जैसे ही बच्चे लंच बॉक्स ओपन करते हैं दे फील लाइक ईटिंग इट। और ढेर सारी वेजिटेबल्स के साथ हमारा ये वेजी फ्राइड राइस बन के तैयार हो जाता है। राइस पहले से उबले हुए हों, और अगर आप चाहें तो चॉपिंग भी पहली रात करके रख सकते हैं, देन हार्डली 5 मिनट लगते हैं इस रेसिपी को सुबह को तैयार करने में। तो बस अब हम लंच बॉक्स यहाँ पे पैक करते हैं, और ये थर्मोस मैंने लिया है, इसके अंदर ये फ्राइड राइस बिल्कुल अच्छे से गर्म रहेंगे, और इसको मैंने बिल्कुल ऊपर तक पैक कर दिया है, और बस इसकी लिड लगा के इसको हम गर्म गर्म बंद कर देंगे। और बस यहाँ पे हमारा जो मेन लंच था वो तैयार हो गया है, और इसके साथ मैं देने वाली हूँ एक्टिमिल, ये प्रोबायोटिक ड्रिंक होती है, बच्चों के लिए अच्छी रहती है। साथ ही मैंने यहाँ पे एक एप्पल रख दिया है, और एक कुकी मैंने इस तरह से फॉइल में रैप करके रख दी है, तो बच्चों को छोटी छोटी मंचेस तो चाहिए ही होती है। और साथ में मैंने फॉक रख दिया है, और ये हो गया हमारा मंडे का लंच बॉक्स रेडी। तो चलिए अब मूव करते हैं ट्यूसडे के लंच बॉक्स के लिए। तो यहाँ पर है मेरे पास दाल, उड़द की दाल है ये, इसके अंदर मैंने 1 कप आटा डाल दिया है, और दाल आप चाहें तो फ्रेशली भी बॉईल करके यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कैरी फॉरवर्ड है मेरी तरह तो आप वो यूज़ कर लें। और बहुत ही सॉफ्ट सा हमें इसका डो बना के तैयार करना है, पानी हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। तो जितनी दाल की क्वांटिटी है आप उसी हिसाब से इसके अंदर आटा डालें कि आपको पानी की ज़रूरत ना पड़े। इससे जो है पराठा वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है, और साथ ही मॉइस्ट भी रहता है। तो मैंने इसका बिल्कुल सॉफ्ट सा डो बना के तैयार कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ दाल का पराठा ही लंच बॉक्स में पैक कर रहे हैं, नहीं, हम बहुत ही टेस्टी सा एक रोल बनाने वाले हैं। तो बस देखते रहिए इस रेसिपी को, एंड आई एम श्योर आपके बच्चों को ये बहुत पसंद आएगी। तो डो को रेस्ट करने के लिए मैंने रख दिया है, और यहाँ पर मैंने पैन में डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल, इसको हम गरम करेंगे, और इसके बाद इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा जीरा ऐड कर देंगे, साथ ही धनिया पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नॉर्मल जो रूटीन के मसाले होते हैं। इसके बाद उबला हुआ आलू मैंने इसके अंदर डाल दिया है, 1 बिग साइज का ये पोटैटो है, और अच्छे से ये बॉयल है। तो बॉयल करके आप इसको पहले से रख लें, दाल आप पहले से उबाल के रख लें, तो थोड़ी सी मील प्री प्लानिंग अगर आप कर लेते हैं तो फिर सुबह को आपका जो काम है
वो आसान हो जाता है। तो अगर ये सारी चीज़ें रेडी होती हैं तो लंच बॉक्स बनाने में हार्डली आपको 10-15 मिनट्स लगते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने सॉल्ट ऐड करा है, साथ ही थोड़ी सी मैंने पाव भाजी मसाला डाल दिया है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट मसाले ऐड करूँ ताकि बच्चों को एक डिफरेंट टेस्ट भी मिले और डिफरेंट खुशबू भी मिले। तो यहाँ पे हमारे जो आलू हैं वो तैयार हो गए हैं, फ्लेम ऑफ करके मैंने थोड़ा सा इसके अंदर लेमन जूस ऐड कर दिया है। और खटाई जो है वो हमेशा फ्लेम ऑफ करके ही डालें, अदरवाइज़ वो थोड़ी सी कड़वी हो जाती है। तो भले ही आप अमचूर डाल रहे हैं या फिर आप नींबू का रस डाल रहे हैं या फिर आप टैमरिंड डाल रहे हैं। और इसके बाद मैंने इसको कोर्सली मैश कर लिया है, बिल्कुल हलवा नहीं बनाना है, इसके अंदर छोटे छोटे चंक्स होने चाहिए। और बस हमारी यहाँ पे स्टफिंग जो है वो बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। इसके बाद हम लेंगे आटे की लोई और इसका हम बेल के बड़ा सा पराठा तैयार करेंगे और फिर हम इसका पैकेट पराठा बनाएंगे, जैसे कि चकोर पराठा बनता है। तो प्रोसेस में यहाँ पे दिखाई रही हूँ, हल्का सा ऑयल लगा के आप इसको इस तरह से इसका चकोर पराठा बना लें। और पराठों के लिए मैं एवोकाडो ऑयल का यूज़ करती हूँ, तो वही ऑयल मैंने लगाया है। और उसके बाद इसको थिनली आप बेल लें। और चकोर इसीलिए बना रही हूँ मैं, एक तो लेयर्स बहुत अच्छी आ जाती हैं इसके अंदर, तो ये बहुत फ्लेकी और सॉफ्ट रहता है। और साथ ही जब आप इसका रैप बनाते हैं या रोल बनाते हैं तो बहुत ही सटीक सा उसकी शेप आती है और वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमेशा रैप्स के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि इसी तरह से स्क्वायर पैकेट पराठा मैं बनाऊँ, और जो इसकी लेयर्स होती हैं खैर वो तो अमेजिंग होती ही हैं। तो चलिए बस स्लो हीट पे हम इसको कुरकुरा होने तक सेक लेते हैं। और जब पराठा बिल्कुल हल्का सा ठंडा हो जाए ना, जब उसकी स्टीम निकल जाए, उसके बाद आप इसके ऊपर स्टफिंग लगाएं। स्टफिंग भी हमारी जो है वो लूक वार्म सी होनी चाहिए, बिल्कुल गरम गरम अगर दोनों चीज़ें होंगी तो फिर ये सॉगी हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें लूक वार्म होनी चाहिए। आप चाहें तो थोड़ा सा स्टफिंग बीच में रखें और तब रोल करें, या फिर मेरी तरह आप इवनली स्प्रेड करके और तब इसका रोल बनाएं, तो जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। तो एक पराठा है उसका मैंने रोल बना दिया और इस तरह से मैंने इसको स्लैंटेड वे में बीच से कट कर दिया है। और लंच बॉक्स में हम इसको रख ही देते हैं। तो दो डेट्स मैंने यहाँ पे रखी हैं, साथ ही मैंने स्ट्रॉबेरीज रखती हैं, और इसके बाद स्ट्रॉबेरी के ऊपर मैंने एक ये फ्रूट पिक लगा दिया है, और साथ ही जो फूड पिक है आइस वाले वो मैंने लगा दिए हैं रोल के ऊपर, और एक एक्टिमल। तो ये हमारा ट्यूसडे का लंच बॉक्स हो गया तैयार। और वाटर बॉटल तो खैर जाती ही है साथ में, तो वो हर बार मैं मेंशन नहीं करूँगी। तो ये हो गया हमारा ट्यूसडे का लंच रेडी। अब मूव करते हैं वेडनेसडे के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास है रखे हुए ये छोले, और अगर आपके पास इस तरह से तड़के वाले छोले नहीं है तो नॉर्मल बॉयल्ड छोले, जैसे कि नमक हल्दी डाल के आप बॉयल करते हैं, वो भी चलेंगे। और आप थोड़ा सा चना मसाला उसमें डाल लें, तो ये भी एक तरह की प्री प्रेप है। लाइक मुझे पता था कि अगले दिन मुझे अद्वी को क्या देना है, तो इसीलिए मैंने ये थोड़े एक्स्ट्रा बनाए थे। तो इनको मैंने कोर्सली यहाँ पे मैश कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं पोहा। और क्या बनाने वाले हैं आज? हम बहुत ही टेस्टी से बर्गर बनाने वाले हैं। तो ये पैटी की तैयारी चल रही है। तो छोले जो हैं उसके अंदर मैंने पोहा ऐड कर दिया है। पोहा जो है मैंने कुछ भी वॉश वगैरह नहीं किया है, क्योंकि जो हमारे छोले हैं वो थोड़े से लिक्विड बेस्ड हैं। तो जैसे ही हम पोहा इसके अंदर डालेंगे तो पोहा खुद से सॉफ्ट हो जाएगा, साथ ही ये एक डो की तरह हो जाएगा, और जितना भी मॉइस्चर छोले का है वो पोहे के अंदर आ जाएगा, और बहुत ही मॉइस्ट सा हमारा यहाँ पे एक डो तैयार होगा। लेकिन बस यहीं पे ऐसा नहीं कि हम इसकी पैटी बना देंगे, अभी हमें थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट्स और इसके अंदर ऐड करने हैं। तो थोड़ी देर इसको रखा छोड़ दें, और उसके बाद हाथों से मसल मसल के आप इसको देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि और पोहे की इसके अंदर ज़रूरत है, क्योंकि कई बार कुछ ज़्यादा मॉइस्ट रह जाता है। तो बस इसको हाथों से आप मसलें, और हाथ मेरे अच्छे से क्लीन हैं। इसके बाद अब हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें जो हैं वो ऐड करेंगे। तो उबला हुआ आलू जो है वो मेरे पास हमेशा रहता ही है, तो वो ग्रेट करके मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और कुछ ऐसा मेजरमेंट नहीं है कि इतना ही आपको डालना है, बस आप थोड़ा सा डाल दें, इससे ये है कि टेस्ट थोड़ा सा बदल जाता है, और बच्चों को आलू जो है वो बहुत पसंद आते हैं। साथ ही मैंने थोड़े से कॉर्न डाल दिए हैं, क्योंकि अद्वी को कॉर्न बहुत पसंद है। आपके बच्चे को जो सब्जी पसंद हो आप वो इसके अंदर डाल सकते हैं, जैसे कि कैप्सिकम
कैप्सिकम आप ऐड कर सकते हैं, पीज इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ऐसी सब्जी जो थोड़ी सी रॉ भी अच्छी लगती है। अच्छा, अनियन जो है वो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि अदवी को वो अनियन की स्मेल, अनियन का टेस्ट लंच बॉक्स में पसंद नहीं आता है। और बस यहाँ पे पैटी का जो हमारा डो है वो तैयार हो गया। और हाँ, आपने यहाँ पे नोट किया होगा कि मैंने कोई भी सॉल्ट वगैरह ऐड नहीं किया था। तो जो हमारे छोले थे ना, वो अच्छे मसालेदार बने हुए थे ना, तड़के वाले थे, तो उसके अंदर अच्छे से था सॉल्ट, तो इसीलिए मैंने ऐड नहीं करा। आप अपने हिसाब से मसाले जो हैं वो डाल सकते हैं। और बस मैंने यहाँ पे ये टिक्की की तरह रोल्स बना लिए और इनको साइड से मैंने फ्लैट कर लिया है घुमा घुमा के। इसके बाद ग्रिलर जो है मेरा कास्ट आयरन का, ये मैंने चढ़ा दिया है और हल्का सा इसको मैंने स्प्रे ऑयल किया है और फिर मैंने इसके ऊपर ये टिक्कियाँ रख दी हैं। थोड़ा थोड़ा सा ऑयल जो है वो ऊपर से स्प्रे कर दिया है और इसके बाद अब हम इसको सेक लेंगे। ये जो ग्रिल मार्क आते हैं ना, दे लुक ऑसम, और इनसे जो है ऐसा लगता है कि टेस्ट भी इनका बढ़ गया है। और सच में जब से मैंने कास्ट आयरन यूज़ करना शुरू किया है, हर चीज़ का जो टेस्ट है वो भी अलग ही आता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे हमारी जो पैटी है वो डन हो गई है। अब यहाँ पे जो बन था मेरे पास, उस पर हल्का सा मैंने बटर लगा के और उसको भी मैंने थोड़ा सा सेक लिया है। अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, थोड़ा सा कैचअप लगाएंगे या फिर जो भी सॉस आपके बच्चे को पसंद हो, मेयोनीज पसंद हो तो आप मेयो डाल सकते हैं, या फिर जो भी पसंद हो, यू नो, ग्रीन चटनी, व्हाटएवर। तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ जो मेरी बेटी खाती है। तो आप यू नो, यू कैन जस्ट प्ले अराउंड विद द रेसिपीज़ के आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लें। तो बस मैंने पैटी बीच में रखी, ऊपर से मैंने एक चीज़ स्लाइस लगा दिया था। मैं कोई वेजिटेबल वगैरह नहीं रख रही हूँ साथ में, क्योंकि फिर वो सॉगी हो जाती है। तो बर्गर मैं इसी तरह से बना के रख रही हूँ, लेकिन ये है कि मैं उसको साथ में सैलड दे दूँगी तो वो साथ में खा लेगी, लेकिन बर्गर के अंदर मैं असेंबल नहीं करती हूँ। और अगर आपके बच्चे खा लेते हैं, उनको सॉगीनेस से कोई दिक्कत नहीं है, तो आप अंदर भी कुकुम्बर स्लाइसेस, टोमेटोज रख सकते हैं। तो बस मैंने यहाँ पर कुकुम्बर स्टिक्स उसको दे दी और साथ ही मैंने एक उसको पीच दी है, और ये हो गया हमारा लंच बॉक्स रेडी। चलिए मूव करते हैं थर्सडे की तरफ। तो थर्सडे में मैंने अदवी को वेजिटेबल रैप दिया था, और ये एक वायरल रेसिपी है, मे बी आप में से बहुत सारे लोगों ने ट्राई करी होगी। तो ये मेरा वर्जन जो मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। तो मेरे पास ये रेडीमेड एक रोटी थी, आपको पता ही है कि मैं एलिफेंट वाली वो रोटी रखती हूँ, एलिफेंट इज अ ब्रांड, कुछ और मत सोच लेना। तो मेरे पास ये रोटी रखी हुई थी, बाकी आप घर की बनी हुई अगर आपके पास रोटी या फिर फ्रेश आप बनाते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हमने हाफ वे कट किया है और एक तरफ मैंने इसमें पास्ता सॉस लगा दी है। पास्ता सॉस इज होम मेड, और उसके ऊपर मैंने पोटेटोज जो है वो हल्के से स्लाइस करके ऐड कर दिए हैं। साथ ही मैंने कैप्सिकम डाल दी है, कॉर्न डाल दिया है एक तरफ, यू नो चार सेक्शन इसके बन जाते हैं, और एक तरफ जो है मैं इसके ऊपर चीज स्लाइस रखने वाली हूँ। तो अगेन सब्जियाँ मैंने वही यूज़ करी हैं जो मेरी बेटी को पसंद है। तो आप अपने हिसाब से बाकी की सब्जियाँ जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो चीज़ का थोड़ा सा कॉर्नर निकल रहा था तो वो मैंने कट करके बीच में रख दिया है। थोड़ा सा सॉल्ट जो है वो मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल करा है, और इसके साथ ही यहाँ पे मैं इसमें मिक्स्ड हर्ब डाल रही हूँ और थोड़ा सा जलजीरा मसाला मैंने डाला है। चलिए अब रैप को हमने इस तरह से फोल्ड कर दिया है। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, बट ये बनाना बहुत ही आसान है। और अगेन ग्रिलर पैन इज ऑन, और इसके ऊपर मैंने हल्का सा ऑयल स्प्रे किया है, और अब दोनों तरफ से हम इसको अच्छा सा कुरकुरा होने तक सेक लेंगे। बस पर्पज़ ये है कि जो चीज़ है वो हल्का सा मेल्ट हो जाए। हालाँकि जो चीज़ स्लाइस मैंने यूज़ करी है इसको आप एज इट इज़ भी खा सकते हैं, बट हमें थोड़ा सा रॉ फ्लेवर लगता है तो इसीलिए इसको हम थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे। और बस थोड़ी ही देर में आपका जो ये रैप है ये तैयार हो जाएगा, और देखने में ये बहुत ही अच्छा लगता है। और लंच बॉक्स में पूरा ये इस तरह से फिट नहीं आता, तो इसलिए मैंने इसको बीच से थोड़ा सा कट कर दिया है। एंड जस्ट लुक एट इट, बहुत ही अच्छी ब्यूटी आती है इसकी, यू नो, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है, और बच्चों को तो ये खैर कलरफुल चीज़ें पसंद आती ही हैं। तो बस लंच बॉक्स में मैंने एक ये रैप अदवी के लिए पैक कर दिया है।
साथी गोल्डन कीवीज हैं, वो मैंने यहाँ पे रख दी हैं एक्टिमल, जो मोस्टली मैं उसको लंच बॉक्स में देती हूँ, और साथ ही दो मैंने उसको मल्टी सीडेड क्रैकर्स दिए हैं, और खाना जो है वो क्यूट भी लगना चाहिए, तो इसीलिए मैंने क्यूट से इसके ऊपर फूड पैक लगा दिए हैं। और ये हो गया है अद्वी का लंच बॉक्स रेडी उसके समर कैंप के 4th डे के लिए। तो यस, यहाँ पे हो गया है लंच बॉक्स डन। चलिए अब आते हैं अपनी फाइनल रेसिपी आज की, फ्राइडे का लंच बॉक्स। और इसके लिए क्या करने वाले हैं, एक प्रेशर कुकर में हमने डाल दिया है पानी, और इसके अंदर हम डाल देंगे पास्ता। तो किसी भी तरह का पास्ता हो आपके पास, आप वो ऐड कर सकते हैं, आपके पास स्पाइरल हो, वट एवर शेप। बट बेसिकली जो रेसिपी हम बनाने वाले हैं वो कुछ हद तक मैक एंड चीज़ की रेसिपी है। तो पास्ता को फटाफट बॉयल करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप प्रेशर कुकर में एक सीटी लगा दें। तो बस मैंने पानी डाला है और थोड़ा सा मैंने उसके अंदर सॉल्ट डाला है, और बस एक ही विसल आपको लगानी है एंड दैट्स इट। एक विसल में जो पास्ता है वो बहुत अच्छे से यहाँ पे बॉयल हो जाता है, और साथ साथ मेरी चाय भी चल ही रही है यहाँ पे। तो बस अब मैंने कढ़ाई चढ़ाई है और अब हम यहाँ पे व्हाइट सॉस बना के तैयार करेंगे। तो बटर मैंने डाला है, और मेरी तरह जो है वो गड़बड़ ना कर दें आप, वो जो फ्लेम थी वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो रही थी, और जब तक मैं बटर निकाल के लाई तो बस पूछिए ही ना, तो वो एकदम से धुआं इसके अंदर आ गया। ये कढ़ाई जो है ना वो थोड़ी सी हल्की है, बट आई वॉज थिंकिंग कि चलो थोड़ा सा ही बनाना है, इसी में बना लूँ। तो बटर के अंदर मैंने 1 चम्मच आटा डाला है, होल व्हीट फ्लार, आप चाहें तो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे, और जैसे ही ये भुने इसके बाद हम इसके अंदर दूध ऐड कर देंगे, लगभग 1/2 कप के करीब मैंने ऐड करा है। साथ ही मैंने इसके अंदर ड्राई बेसिल लीव्स डाल दी हैं, और साथ ही मैंने यहाँ पे मिक्स्ड हर्ब्स ऐड कर दिए हैं। आप चाहें तो फ्रेश बेसिल भी डाल सकते हैं, उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और बस अब हम इसको अच्छे से पका लेंगे। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि ये जो हमारी सॉस है ये थोड़ी सी थिक होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो आटा होता है ना वो एकदम से दूध को एब्जॉर्ब करना शुरू करता है, और ये थिक होनी शुरू हो जाती है। जब इसके अंदर अच्छे से बॉयल आ जाए तब आप इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दें टेस्ट के हिसाब से। साथ ही मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर ऐड कर दिया थोड़ा सा स्पाइस लेवल देने के लिए। और इसके बाद हम इसके अंदर चीज़ ऐड करेंगे, ग्रेटेड चीज़ मैंने लिया है, आप चेडर चीज़, मोज़रेला, जो भी आपको पसंद हो, जो भी चीज़ आप खाते हो आप वो इसके अंदर डाल दें। और जैसे ही चीज़ मेल्ट होगा ये और भी ज़्यादा बिल्कुल थिक सी हमारी सॉस तैयार हो जाएगी। सो दिस इज़ काइंड ऑफ वर्सेटाइल सॉस। इसके बाद आप इसको पास्ता इसके अंदर डाल के आप चाहें तो इसका बेक्ड पास्ता भी बना सकते हैं, या फिर नॉर्मली इस तरह भी बना सकते हैं, थोड़ी सी वेजिटेबल सौते करके वो भी ऐड कर सकते हैं। सो यू कैन जस्ट प्ले अराउंड। तो मैं इसको बस बिल्कुल प्लेन ही बना रही हूँ क्योंकि अद्वी को ऐसा ही पसंद है, और मैं इसको थोड़ा सा इसी तरह से लिक्विडी कंसिस्टेंसी का रखूंगी क्योंकि लंच बॉक्स में जाने के बाद ये थोड़ा सा थिक हो जाता है। तो हमारा पास्ता हो गया है रेडी, और स्नैक में आज मैं अद्वी को मखाने दे रही हूँ, ये रोस्टेड मखाने हैं, और ये छोटा सा एक मेसन जार है मेरे पास, इसके अंदर मैं उसको जूस दे रही हूँ, और जूस जो है वो ये काफ़ी थिक है, तो मैं थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी और उसका ये जार मैं फिल कर दूंगी, क्योंकि पास्ता वगैरह के साथ ही ना जूस पीने का मन करता ही है। वाटर बॉटल अलग से है। पेयर मैंने फ्रूट में उसकी पैक कर दी है, और बस अब यहाँ पे मैं उसके लिए पास्ता भी डाल दूंगी। तो गर्मा गर्म पास्ता इज़ रेडी, और ये बहुत टेस्टी रेसिपी बनती है, और जो बच्चे थोड़ी सी सब्जी खाने में आनाकानी करते हैं उनको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। सो आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो बस यहाँ पे हमारा फ्राइडे का भी लंच बॉक्स हो गया है रेडी, और बस अब इसको पैक करना है और अद्वी को देना है, और उसने सारा अच्छे से खाया। और जब लंच बॉक्स ख़त्म होके घर आता है ना तो जो हैप्पीनेस होती है हम मॉम्स की वो अदर लेवल की होती है। तो कौन कौन इस बात से सहमत है। सो आई होप आपको आज की ये रेसिपीज पसंद आई होंगी, और आप अपने बच्चों के लिए लंच बॉक्स में ये ज़रूर ट्राई करेंगे। जो भी रेसिपी आप ट्राई करें प्लीज़ मेरे साथ पिक्चर्स जरूर शेयर करें इंस्टाग्राम पे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है deepsolin1channel, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप इंस्टाग्राम पे जब अपनी प्रोफाइल में है तो सर्च इंजन में जाके अगर आप deepsolin1channel डालेंगे
विदाउट एनी स्पेस, देन आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, यू कैन फॉलो देयर। वहाँ पे मैं बहुत सारे लाइव अपडेट्स और रील्स शेयर करती रहती हूँ। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट फॉर मोर लाइफ अपडेट्स। तो यही थी बस आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कॉमेंट, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब। और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।